सास बहू और सीरियल में अब बारी आ गई है खास मुलाकात की। जी हाँ, एक नए लुक और बिंदास अंदाज के साथ बड़े पर्दे पर रणवीर शोरी वापसी कर रहे हैं, जिससे खास मुलाकात की है सौरभ शर्मा ने। ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जो फादर मदर के रिलेशन पर बनाई जाती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फिल्म पर्दे पर जब रिलीज हो रही है, रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो मूवी है, जैसे हम बोलते हैं कई जगह कोटेशन देखते हैं लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर, उस मिथ को थोड़ा तोड़ पाई, क्योंकि इंसान ये सोचता है मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर बने, तो ये प्रेशर कम हो थोड़ा? आई थिंक इट्स दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो फिल्म उस बारे में, इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट द फिल्म टॉक्स अबाउट। फिल्म टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मोर इम्पॉर्टेंटली सक्सेस एंड फेलियर, वॉट इज द फैमिली डायनामिक, हाउ चिल्ड्रन शुड डील विद प्रेशर, कम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिशन। सो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करते हुए फिल्म एक एंटरटेनर है, आई थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, के इट्स अ स्टोरी विच विल completely engross you, engage you and make you feel for it while also making you think about these things. So ye picture aapko lagta hai ki bachcho ka jo depression mein jo chale jaate hain padhai ko leke ya kisi bhi cheez ko leke, ha usko thoda sa usse rahat milegi agar ye movie aake dekhe, ek message, important message dekhne ko? मैं ये तो कोई मतलब कोई दवा की तरह घूट के तो कोई पिला नहीं सकता, ना ही मैं समझता हूँ सिनेमा का कोई वो रोल ऐसा है। इट हैज़ द अबिलिटी, इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू इट, बट येस आई एग्री विद यू कि फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं मानता हूँ विल हेल्प पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हु आर इन सिमिलर सिचुएशंस। रणवीर हमेशा कंटेंट ड्रिवन अपनी मूवीज के लिए जाना जाते हैं, और इस बार भी यही मूवी हरुण आपके जो सन है उनके लिए आपने की है। दरअसल हाँ, जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, सुमंदा ने जब स्टोरी सुनाई थी तब मैं नया नया बाप बना था, तो मेरा तो रोना निकल गया था इनकी कहानी सुन के। आई वॉज ऑलरेडी इन टीयर्स बिकॉज लाइक आई सेड फिल्म हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर, एंड बीइंग अ फादर काइंड ऑफ ओपन दोज, मेड मी वल्नरेबल टू दोज फीलिंग्स आई गेस। और तब से इनफैक्ट मैं आई बीन इन्वॉल्व विद टू मोर चिल्ड्रन फिल्म्स आफ्टर दैट, बिकॉज आई थिंक आई एम मोर इमोशनली अट्रैक्टेड टू सब्जेक्ट्स विच हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नाउ टू चिल्ड्रन्स फिल्म आफ्टर आई बिकम अ फादर। तो बहुत कम मूवीज देखी जाती है, तारी जमीन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाई थी, आपको लगता है कि ऐसी मूवीज जो इम्पैक्टफुल होती है इनको भी बॉलीवुड में बनने? बिल्कुल, मैं समझता हूँ चिल्ड्रंस फिल्म बहुत कम बनती हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ज़्यादा सिटी टाइप फिल्में ज़्यादा बनती हैं, एंड आई थिंक वी शुड मेक मोर चिल्ड्रंस फिल्म। एंड भाई जाते थे, व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट ब्लू माउंटेन? मैं ब्लू माउंटेन्स के बारे में यही कहूँगा, आई थिंक इट्स अ फिल्म विच ऑल फैमिलीज शुड गो एंड वॉच टुगेदर, बिकॉज आई थिंक मोर देन एनी थिंग, मोर देन द सोशल मैसेज और द फैक्ट दैट इट्स एन एंटरटेनर, आई थिंक इट विल ब्रिंग देम क्लोजर। थैंक यू। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप सभी 7 अप्रैल को ब्लू माउंटेन्स सिनेमाघरों में जाकर देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये फिल्म आपको देने वाली है। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।